सब्सक्राइब कीजिए मिथिलांचल एक्सप्रेस को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गणित में अलग से नहीं मिलेगा अंक, ग्रेस मार्क को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं, ठीक है, व्हाइटनर वाले ओएमआर की नहीं होगी जांच, ठीक है दोस्तों। तो इस सारे बिंदुओं पर इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हिंदुस्तान 8 अप्रैल का पेपर है, और यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों कि बिहार बोर्ड तैयारी में जुटा, ठीक है, मार्च स्कैनिंग की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है दोस्तों। वही आपको बता दें कि इंटर मैट्रिक का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों रिजल्ट के बारे में। पहले आपको हम बता देते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे गणित में अंक मिलेंगे कि नहीं, इसको लेकर हम सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस गोले के अंदर आपको दिख रहा होगा कि गणित में अलग से नहीं मिलेगा अंक, ठीक है। मैट्रिक में गणित विषय को लेकर बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सारे प्रश्न सिलेबस से पूछे गए हैं, गणित में कोई अलग से अंक नहीं मिलेगा। बता दें कि गणित विषय की परीक्षा को लेकर छात्रों ने बवाल काटा था, ठीक है दोस्तों। तो छात्रों का कहना था कि सिलेबस के बाहर से प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है दोस्तों कि इस बार जो है गणित में आपको कोई भी अलग से अंक 10th में नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं ग्रेस मार्क को लेकर। तो यहाँ देखिए दोस्तों ग्रेस मार्क को लेकर भी यहाँ पे नोटिस दे दिया गया है पेपर में, देख सकते हैं कि ग्रेस मार्क पर निर्णय नहीं, ठीक है दोस्तों। मैट्रिक और इंटर में ग्रेस मार्क देने को लेकर निर्णय नहीं लिया गया है, अभी तक जो है बोर्ड की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है दोस्तों। वही बोर्ड सूत्रों की माने तो इस बार रिजल्ट फिर खराब होने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। खासकर सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर छात्र नहीं दे पाए हैं, काफ़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं खाली मिली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक ग्रेस मार्क को लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और रिजल्ट बहुत ही खराब होने की उम्मीद है इस बार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बिंदु पे हम बात करते हैं कि व्हाइटनर वाले ओएमआर की जाँच नहीं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं इस बिंदु के अंदर, यहाँ पर आप इस गोले के अंदर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि व्हाइटनर वाले ओएमआर की जाँच नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि व्हाइटनर वाले ओएमआर की जाँच नहीं होगी, ऐसे छात्र का रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। जो लोग भी व्हाइटनर लगाए होंगे ओएमआर शीट पे, उसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो जाएगा दोस्तों। बोर्ड ने पहले ही व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया था, तो ठीक है दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा सारी बात। अब हम आपको रिजल्ट के बारे में बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों दिया हुआ है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो रिजल्ट है मई के पहले सप्ताह में आ जाएगा मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट, यहाँ पे बिहार बोर्ड की माने तो, ठीक है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार मैट्रिक का रिजल्ट 20 व इंटर का रिजल्ट 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चूंकि मैट्रिक में मूल्यांकन पहले खत्म हो रहा है, इसीलिए इंटर के पहले इसका रिजल्ट तैयार रहेगा दोस्तों। हालांकि दोनों का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि मई के पहले सप्ताह में इंटर का रिजल्ट आने की संभावना है। वही इंटर मूल्यांकन में देरी होने से रिजल्ट के लिए जो समय निर्धारित किया गया था उसमें नहीं निकल पाएगा, ठीक है दोस्तों। जो समय निर्धारित था कि अप्रैल के लास्ट वीक में दे दिया जाएगा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको मई के फर्स्ट वीक में इंटर और मैट्रिक दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ नीचे देख लीजिए 2-3 दिन में मैट्रिक का मूल्यांकन पूरा, ठीक है दोस्तों। मैट्रिक का जो मूल्यांकन है वो 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। बोर्ड की माने तो मैट्रिक का मूल्यांकन 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। पटना, मुंगेर और पूर्णिया जिला में लगभग 7000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बचा है, ठीक है दोस्तों। मूल्यांकन के साथ मार्क स्कैनिंग भी चल रही है। वही 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ओएमआर की स्कैनिंग भी की जा चुकी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर माध्यमिक शिक्षा द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। बोर्ड सूत्रों की माने तो 20 अप्रैल तक स्कैनिंग के साथ रिजल्ट संबंधित सारे काम कर लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग का जो भी डर था वो क्लियर हो चुका होगा, चाहे वो गणित में अलग से अंक मिलने को लेकर हो या फिर ग्रेस मार्क को लेकर हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। पिछले बार दोस्तों आप लोगों ने बिना लाइक किए ही चले गए थे, ठीक है। तो इस बार वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।